बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं त्रिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। पहले चरण के मतदान में बस्तर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने किया जमकर अपने मत का प्रयोग। स्ट्रांग रूम में मतदान सामग्री को किया गया सीलिंग। फानौर कैंप के मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव का किया बहिष्कार। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे 3 शिक्षकों की सड़क हादसे में मौत। अब खबरें विस्तार से। 7 नवंबर को पहले चरण के मतदान पर 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान डाले गए। सुबह से ही मतदान केंद्रों में लंबी कतारें देखी गई। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। खासकर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में काफी उत्साह रहा। चुनाव को देखते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा हेतु जवानों की तगड़ी तैनाती की गई थी। इससे पूर्व एक दिन पहले संवेदनशील क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दलों की रवानगी की गई थी। देर रात तक मतदान दलों की वापसी होती रही। बात करें जगदलपुर विधानसभा की तो सुबह से ही भाजपा प्रत्याशी किरण देव और कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल ने मतदान किया और लोगों से मतदान की अपील की। लोकतंत्र प्रजातंत्र का महापर्व, मैं सभी मतदाता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपका मौलिक अधिकार है और घर से बाहर निकले, और सभी को मेरा निवेदन है कि आकर मतदान केंद्र में अधिकारों का प्रयोग करें। आज मैंने खुद जनपदीय स्कूल से करीबन 8:30 बजे मैंने मतदान किया। उसके बाद मैं और हमारे इंदिरा विकास मंडल के उपाध्यक्ष सुधांश शर्मा जी शहर का मोर्चा संभाला हुआ है और दूरभाष पे पूरे विधानसभा का मोर्चा संभाला है। एक एक कूलिंग बूथ पे हम जा रहे हैं और कांग्रेस के प्रति सब जगह से रुझान आ रहा है। कांग्रेस बहुत अच्छे से कर रही है। 20 विधानसभा क्षेत्रों में कई दिग्गजों के दांव लगे हैं, जो 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। आपको बता दें, मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जमकर प्रयोग किया और बस्तर विधानसभा में लगभग 80% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। इस मतदान महापर्व को सफल बनाया। जिले के आला अधिकारियों ने भी लाइन लगाकर वोट डाले, जिनमें कमिश्नर, कलेक्टर, SP, IG सहित तमाम बड़े अधिकारी उपस्थित थे। कुछ लोगों ने वोट डालने के लिए प्रेरित करने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया, जो बेहद ही रोचक रहे। वही पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से हमारी टीम ने चर्चा की। युवाओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज मैंने पहली बार अपना वोट डाला है। मैंने अपना वोट का अधिकार आज पहली बार उपयोग किया है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आज एक ऐसे नेता को चुनने जा रहा हूं जो हमारे शहर की और हमारे जो बस्तर जो हमारा जिला है उसका विकास करेंगे। हमको पता चला है कि आप मतदान करने के लिए भिलाई से यहाँ पे आए हैं, कैसा लगता है आप लोग को? जी, मैं भिलाई में अपना MBBS का पढ़ाई कर रहा हूँ और मतदान के लिए मैं यहाँ पर वहाँ से भिलाई से इधर वापस आया, ताकि मैं अपने जो जिला है जहाँ पर मैं पैदा हुआ, जहाँ जन्म लिया, वहाँ का विकास अच्छे से हो पाए, ताकि मैं बहुत खुश रहूँ। इसलिए मैं वहाँ से यहाँ पर। दूसरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं दूसरों के लिए इसे यही कहूँगा कि वो अपने कृपया करके वो अपने वोट का पूरा सही तरीके से इस्तेमाल करें और ऐसे किसी व्यक्ति को चुने जो अपने जो जिला है उसका अच्छे से विकास कर पाए। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत बस्तर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न होने के पश्चात EVM, बैलेट यूनिट और VVPAT सहित अन्य मतदान सामग्रियों को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और 3 प्रेक्षक सुब्रत गुप्ता, RS ठाकरे, सुदेश कुमार मोक्टा और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के की उपस्थिति में शासकीय आदर्श महाविद्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम में सीलिंग की कार्रवाई की गई। मतदान प्रक्रिया पूर्ण कराने के उपरांत सभी मतदान दल रात्रि 12 बजे तक वापस जगदलपुर पहुँच गए। मतदान सामग्री जमा करने की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही। विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर की मतदान सामग्री को प्रातः नारायणपुर जिले के लिए रवाना किया गया।
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी नंद कुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दंतेवाड़ा विधानसभा क्रमांक 88 में जहां 373 बूथ है, जहां नक्सली विरोध के बावजूद मतदान हो रहा है, वही एक मतदान केंद्र नगर पालिका किरंदुल में ऐसा भी है जहां के मतदाता सरकार और नेताओं से नाखुश है और मतदान ना करने का फैसला किए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं किरंदुल नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 12 फाइनोर कैंप की, जहां 382 मतदाता रहते हैं, जिनका पोलिंग बूथ है 338, जहां के मतदाता ने खुलेआम लोकतंत्र के महापर्व में शामिल नहीं होते हुए मतदान का बहिष्कार किया। वार्ड के पूर्व पार्षद उग्रे नायक आत्माराम दिलगोबाई बुधरीबाई का कहना है कि एनएमडीसी लौह अयस्क खदान खुलने से पहले हम लोग यहां पर बसे हुए हैं। 1953 में लोग रेल लाइन का काम करते वक्त यहां काम करने आए, आज इनको बेघर किया जा रहा है, इनके पास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इनसे पट्टा देने की बात की थी, पर आज तक इनको इनकी जमीन का मालिकाना हक तक नहीं मिला। नगर पालिका अध्यक्ष ने भी झूठा वादा किया। इन सभी के मद्देनजर वार्ड वासियों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया। वोट डालने गए? नहीं। क्यों, क्या कारण है? कारण हमारा है साहब, आप लोग का हम कुछ मांग रहा है, देता नहीं है, पाइए गिर गए प्राण, तो हमको बोलते यहाँ भगो 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 कहके, तो भगाने वाला सरकार हम कहाँ से बोला हम सर वोट देव। तो आप लोग सबके सब वोट डालने नहीं गए? कोई भी कैंप वाले? कोई नहीं गए है। कौन सा कैंप है? ये 12 नंबर कैंप, हाँ 12 नंबर कैंप, एक नंबर। हम लोग इतना साल से रह रहे हैं, हम लोग आंगनबाड़ी नहीं है, कोठा नहीं है, कुछ सुविधा भी नहीं है, हम भी सरकारी का आदमी, हमको सरकारी मदद नहीं करे तो हम लोग क्या जरूरत है वोट देने का? डोकरा डोकरी लोगों को भी हम लोग इतना देंगे पैसा हो बोले, और पैसा भी नहीं डाल दे रहे हैं, और इतना आदमी हम लोग वोट देने जा रहे, कुछ सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, हम लोग को घर द्वार भी तो नहीं है, हम लोग जिली डाक के रह रहे हैं, हम लोग सरकारी आदमी है, सरकारी घर भी आ रहा है, इंद्रवाद घर है, हम लोग को दे रहे क्या? इतना साल से रह रहे नहीं दे रहे ना, इसलिए तो हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। और क्या बोलने से हम लोग इतना साल से रह रहे हैं, और यहाँ नहीं रहो, हर जाओ आप लोग यहाँ नहीं रहो ना बोल के बोला, मंगल भवन में रहो बोला तो हम लोग क्या बोले, हम लोग अभी तो माँ बहन है सब पूछे, हम लोग इतना साल से रह रहे हैं, लट्टा बुट्टा को बराबर करके हम लोग घर बना के रह रहे हैं, हम लोग काहे के लिए जाएंगे, हम लोग का भी माँ बहन है, हम लोग काहे के लिए रोड में रहेंगे, आप लोग हमने दे दो जगह है तो जगह दो, पैसा दो, हम लोग जाएंगे, जाने के लिए नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। और हम लोगों का वोट तो डालने नहीं गए हैं, हमारे सब वार्डवासी यहाँ से झुकी झोपड़ी वाले जो फैनोर कैंप है, और हमारा मांग ये है शासन सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें पट्टा दिया जाए यहाँ का। और जब कांग्रेस सरकार थी माननीय भूपेश बघेल जी, तब घोषणा किए थे किरंदुल में कि जो जहाँ है वहाँ रहेगा और वहाँ का पट्टा दिया जाएगा, आज तक हमें पट्टा से वंचित किया गया और वार्डवासी इसीलिए आक्रोश है और वोट देने नहीं जा रहे। हम लोग इसीलिए नहीं गए कि हमारा कोई सुविधा नहीं है, ना पानी का सुविधा है, ना कोई कुर्सी का सुविधा है, उठो सुबह उठो बोलते शाम को भगा रहे हैं, तो हम जाएंगे कहाँ? हमारा सुविधा बना के भगाए ना हमको, तभी जाएंगे, बाल बच्चा का साथ कहाँ जाएंगे? अब ये पत्थर गिर रहा था तो क्या बोले, वो अम्बेडकर भवन में भग जाओ, कैसा भग जाएंगे? जब कचरा था उस टाइम में एमएनटीसी में नहीं भगाए, ना नगर पाली नहीं भगाया, अभी सब तैयार कर दिया तो अभी भगो बोल रहे हैं, कैसा भगेंगे? कोई हमारा सुविधा बनाए, उसीलिए हम लोग वोट देने नहीं गए। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर दर्दनाक सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक बही गांव के पास ट्रक और बोलेरो के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिव नेताम और संतराम नेताम की मौके पर ही मौत हो गई और हरेंद्र उइके गंभीर रूप से घायल हो गया। यह तीनों कोंडा गांव से निर्वाचन कार्यों को पूर्ण करके बोलेरो वाहन में केशकाल की ओर घर वापस आ रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक शिव नेताम घंटों गाड़ी में फंसा रहा, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे में घायल हरेंद्र उइके को केशकाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।
ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से ही फरार हो गया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में विगत 5 से 6 वर्षों से उड़ीसा प्रांत के कुम्हारों द्वारा निर्मित मिट्टी के दिया, भगवान की मूर्ति एवं अन्य सजावटी सामान, कलाकारी किया हुआ सामान लेकर जगदलपुर के टाउन क्लब एवं सिरासार चौक के पास बाजार सजाते हैं। दंतेश्वरी माता के मंदिर घूमने आए थे जी जी। वहाँ आसपास मार्केट लगा हुआ है तो दीपावली की शॉपिंग के लिए जी जी। ये जो भी सामान है इनका हैंडीक्राफ्ट वाला दिया हो गया, गमला वगैरह जी, तो अच्छा मिल रहा है, कलाकारी अच्छा है जी। सस्ता लग रहा है या महंगा लग रहा है? प्राइस तो सही है, इकोनॉमिक है जी, ज्यादा डिफरेंस नहीं बढ़ी, बाकी चीप ही बोले आप जी, सही है प्राइस का। अच्छी हम आपको बता दें कि विगत 5 से 6 वर्षों से उड़ीसा प्रांत के कुम्हार स्वयं के द्वारा बनाए गए मिट्टी से निर्मित दिए, भगवान एवं अन्य सजावटी वस्तुओं को लेकर आते हैं और यहां अच्छा खासा बाजार लगाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बस्तर में उड़ीसा से सामान लेकर आकर यहां दुकान लगाकर व्यापार करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ बस्तर छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं और इनका पूरा सहयोग करते हैं, कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। क्या क्या बेचने आए हुए यहाँ पे? दिया, दीपो, हाथी, घोड़ा और जितना हमारा दीपावली सामान लगते है ना, हाँ हाँ, और सब से उड़ीसा के छत्तीसगढ़ में आके बेचते हैं। बिक्री हो रहा है? हाँ, बिक्री हो रहा है, फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। कितने साल से बना रहे हो? हमें तो बहुत साल, आज के 25-30 साल हुआ आता ही है। जी जी, कितना परिवार आए हो यहाँ पे? हमारा नवरंगपुर जिला में 6 ब्लॉक में सब कुछ आया जी जी। यहाँ पे कितने लोग आए जगदलपुर? जगदलपुर में यहाँ प्राय 70-80-90 ऐसे लोग आया है। कितने साल से आ रहे हो आप लोग? हम तो पाची के मरा, तो मेरा आने का 25 साल हुआ, हाँ हाँ हाँ, यहाँ जगदलपुर दीपावली के आने के। पैसा ठीक मिलते हैं, ठीक से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में जाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग कैसे लगते हैं आप लोगों को? छत्तीसगढ़ का लोग आदमी भल है, बहुत कुछ साइज करता है। यहाँ भी जगह नहीं रहने से भी जगह सुंदर बाग पर देते हैं, वहाँ बैठते हूँ, ठीक से बिकता हूँ, ठीक से घर में जाता हूँ। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तीनों विधानसभा क्षेत्र के नियुक्त प्रेक्षक सुब्रत गुप्ता, आर एस ठाकरे, सुदेश कुमार मोक्टा को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने स्मृति चिन्ह भेंट कर निर्विघ्न निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी नंद कुमार चौबे, ओम प्रकाश वर्मा, भरत कौशिक उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।